साथियों, हमारा कर्नाटक का बहुत एक इलाका है जो गन्ना किसानों का है। गन्ना उत्पादन में अग्रिम श्रेणी है, शुगर केन। गन्ना किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। गन्ना किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। इतना ही नहीं, प्रति क्विंटल गन्ने पर लगभग 14 रुपये की अतिरिक्त मदद सीधे किसानों के खाते में पहुंचाई गई है। ये भी सीधे उनके खाते में, कोई बिचौलिया नहीं। इनकी परेशानी यही है कि जब तक मोदी रहेगा चोरों की दुकान बंद। पहले ये मदद चीनी मिलों के माध्यम से दी जाती थी। पिछले हफ्ते ही सरकार ने फैसला लिया है कि जो चीनी मिले किसानों को बकाया देने में अड़चन महसूस कर रही है, उनके लिए भारत सरकार सॉफ्ट लोन का प्रावधान करेगी। ऐसी मिलों को बैंकों से कर्जा दिलवाया जाएगा जिसके एक साल के ब्याज का भुगतान केंद्र सरकार करेगी। साथियों, चीनी की ज्यादा पैदावार से कीमतों पर ज्यादा असर ना हो, इसके लिए एक न्यूनतम मूल्य तय किया गया है। चीनी के आयात पर 100% शुल्क भी लगाया गया है। चीनी निर्यात करने की अनुमति भी दी गई है। इसके साथ ही गन्ने से बायोफ्यूल तैयार करने के लिए देश भर में व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। सरकार ने जो कदम उठाए उसके चलते इथेनॉल की सप्लाई पहले की तुलना में 4 गुना करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में इथेनॉल का देश में और बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाला है। पेट्रोल डीजल से लेकर हवाई ईंधन तक में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाया जा रहा है। साथियों, इथेनॉल से जुड़ी टेक्नोलॉजी आज नई नहीं है, दुनिया में बहुत पहले से टेक्नोलॉजी चल रही है। यही कारण है कि जब अटल जी की सरकार ने इस दिशा में काम शुरू किया था, लेकिन अटल जी की सरकार के जाने के बाद फिर इन्होंने ताले लगा दिए। हमारी सरकार आने के बाद इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। इथेनॉल से गन्ना किसानों को तो लाभ मिल रहा है, भविष्य में देश की कच्चे तेल की आयात करने की जरूरत को भी हम कम कर पाएंगे। साथियों, देश के किसानों से जुड़ी, देश के सामान्य मानवी से जुड़ी योजनाओं के प्रति कांग्रेस और उसके समर्थकों के इसी रवैये ने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है।